2004 के बाद जो भी अपॉइंटमेंट हुई है सारे एनपीएस के तहत हुई है। एनपीएस में अब लोग रिटायर हो रहे हैं क्योंकि पहले लोगों को मालूम नहीं था कि एनपीएस क्या चीज़ है, पहले तो डिटेल ही नहीं है एनपीएस में क्या करना है नहीं करना है। अब लोग एनपीएस से रिटायर हो रहे हैं तब पता चल रहा है, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1800 रुपये पेंशन के रूप में मिल रहे हैं। आप बताओ इस महंगाई के समय में 500 रुपये में एनपीएस वाले अपना घर कैसे चलाएंगे? बुढ़ापे का यही एक सहारा होता है पेंशन, वो भी अगर पेंशन नहीं मिलेगा तो उसको रिटायरमेंट के बाद कोई इज्जत नहीं है उसकी। तो हम लोग ये रोज़ प्रकट कर रहे हैं कि एनपीएस को हटा करके जीपीएफ सिस्टम लागू किया जाए जो पहले से चल रही है। हमारे यहाँ जितने भी एमएलए एमपी हैं वो क्यों नहीं एनपीएस का फ़ायदा ले रहे हैं? वो भी एनपीएस लेते हैं, वो जैसे जीत करके आते हैं उनको जीपीएफ का बेनिफिट मिलता है। हमारे ऊपर थोपा गया है एनपीएस, लोग अब खुद जीपीएफ ले रहे हैं, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि उन्हें मालूम है एनपीएस से क्या नुकसान है कर्मचारी को। इसलिए हम लोगों की सबसे ज़्यादा रोष प्रकट है कि एनपीएस को हटा के जीपीएस पेंशन लागू किया जाए सारे कर्मचारियों, जो 2004 के बाद लागू किया गया है। दूसरा, अलाउंसेस पे कमीशन को पहली बार इस सरकार ने टुकड़ों में दिया है। पता नहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया, A to Z पे कमीशन अलाउंसेस सारे मिल गए, लेकिन हम लोगों को अभी तक जो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबको अभी बस बेसिक दिया है, कोई भी अलाउंसेस अभी तक नहीं दिया गया है। क्यों इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है? क्या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग सरकार का पार्ट्स नहीं है? जब सबको दिया जा रहा है तो हमें भी वो अधिकार जो है हमारा दिया जाए। हम लोग दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि अलाउंसेस दिया जाए हमें जो पे कमीशन के रूप में नहीं मिला अभी तक। तीसरा, हमारा जो एजेंडा है बोनस का, 2 साल से गवर्नमेंट ने बोनस रोक रखी है। क्यों रोक रखी है भाई? जब सारे लोगों को बोनस दे रहे हो आप, तो ऑटोनोमस बॉडी की बोनस को क्यों रोक रखे हो आप? वो भी हमारा अधिकार है, क्यों हमें दिया जाए वो चीज़? ये हमारे 3-4 मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पे जोरदार तरीके से रोष प्रकट कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर नहीं जागी तो 2019 में हम इनको जोरदार जवाब दे करके इनको दिखाएंगे कि हम कर्मचारियों की क्या ताकत है।